मोक्ष की नगरी काशी कई चीजों के लिए मशहूर है। इसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश से यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। भोलेनाथ की नगरी कहे जाने वाले काशी ने अपनी अनोखी संस्कृति से पूरे संसार में प्रसिद्धि हासिल की है। यहाँ के मंदिर, गंगा आरती और घाटों का नजारा देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से अनेकों धर्म के लोग काशी आकर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन बनारस की पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर असल में आपको बनारस को करीब से देखना है तो आपको यहाँ की संस्कृति के साथ ही यहाँ के खान पान, यहाँ के लोगों का शौक, व्यवसाय, यहाँ के परिधान समेत कई सारी चीजों से खुद को रूबरू करवाना होगा। अब बात बनारस की उठी है तो जितना मशहूर बनारसी पान और वहां की साड़ियां हैं, उतने ही मशहूर यहाँ के लोग और यहाँ का खान पान भी है। अब खाने की बात सुनकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, तो चलिए आज आपको बनारस की एक अनोखे रेस्टोरेंट से रूबरू करवाते हैं, जिसे देखकर आपके मन में भी यहाँ आने की उत्सुकता बढ़ जाने वाली है। पूरे देश में अपने बाटी चोखा की वजह से प्रसिद्धि हासिल करने वाले इस रेस्टोरेंट को देखने से पहले बाटी चोखा के इतिहास से वाकिफ होना भी बहुत जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाटी चोखा ने 1857 की आजादी के जंग में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। इसे बनाने की विधि बहुत ही आसान होती है, साथ ही ये 2 से 3 दिनों तक खराब भी नहीं होती। यही कारण था कि आजादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या तोपे तक ने बाटी चोखा को अपनी यात्रा के दौरान करने वाले भोजन में प्रथम स्थान दिया था। अब पिछले 23 सालों से भारत के उसी प्राचीन छवि को लोगों के दिमाग में फिर से क्रिएट करने के लिए श्री अशोक दुबे जी द्वारा वाराणसी जैसे पौराणिक शहर में इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट को संचालित किया जा रहा है। इस भोजनालय के अंदर प्रवेश करते ही आपके मन में उस प्राचीन भारत की यादें ताजा हो जाएंगी, जब लोग डाइनिंग टेबल के बजाय जमीन या फिर चारपाई पर बैठकर भोजन ग्रहण किया करते थे। सबसे पहले तो रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करने से पहले आपके जूते चप्पल उतरवा दिए जाएंगे। अंदर प्रवेश करते ही आपको एकदम गांव जैसा माहौल नजर आएगा, जहां बिल्कुल शुद्ध और सस्ता भोजन ग्रहण करके आप 5-स्टार होटल को भी भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट के भीतर की सारी कारीगरी लकड़ी से की गई है, जो उसके आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ के वेटर्स भी प्राचीन भारतीय परिधान में नजर आएंगे। वैसे तो जब आप किसी 5-स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां देश दुनिया की कई सारी प्रख्यात व्यंजन आपके लिए उपलब्ध रहती हैं, लेकिन काशी के इस बाटी चोखा के स्वाद ने स्टार होटलों के उन तमाम व्यंजनों को भी फीका कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप भी एक बार बाटी चोखा रेस्टोरेंट को खुद देखिए और इसकी खूबसूरती को फील कीजिए। तो आ गए हैं इस समय हम बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। ये बनारस का बेहद ही यूनिक रेस्टोरेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो थीम है वो पूरी तरीके से अलग है। आप देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत है, अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे उसके पहले ही यहाँ का जो थीम है पूरे गांव का एक लुक देने की कोशिश की गई है। तमाम फोटो सेशन, सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं जो भी इस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, रेस्टोरेंट के अंदर जाने के पहले जूता चप्पल को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति में भी ये कहा जाता था कि जब हम खाना पीने खाएं तो उसके पहले जूता चप्पल जो है वो निकाल दें, पूरी तरीके से शुद्धता के साथ खाना खाया जाए। इस समय हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं जो पूरे गाँव का एक लुक है उस रेस्टोरेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो वेटर हैं वो भी पैजामा कुर्ता देसी लिबास में नज़र आएंगे आपको। खाने की 2 तरीके की व्यवस्था है, टेबल कुर्सी भी लगा है और चटाई पे बैठ के खाने की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट का थीम पूरी तरीके से गांव का लुक देने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको एक शहर की काउंटी से, एक शहर की शोर शराबा से एक शांति का वातावरण देखने को मिलता है, अनुभूति होती है, शांति के वातावरण मिलता है। इसके साथ ही जो खाने का अंदाज है, जो यहाँ का टेस्ट है, जो प्योर बनारसी टेस्ट जिसको कहा जाता है वो मिलता है।
खाने के तरीके की बात की जाए तो यहाँ पे जो बाटी चोखा एक पहले ज़माने का खाना हुआ करता था, उस इस रेस्टोरेंट ने उस बाटी चोखा को एक ब्रांड बना दिया है। क्योंकि और ये देखिए बीच में खटिए भी लगाए गए हैं, अगर टेबल यहाँ पे भरे होते हैं, खाने के बैठने की जगह नहीं होती है तो इंतज़ार करने के लिए भी लोग इस खटिए पे बैठते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पे खाना परोसा जाता है वो बेहद देसी अंदाज में परोसा जाता है। यहाँ पे जो दाल बनती है वो पूरे मिट्टी के बर्तन में बनती है, बाटी को उपले में पकाया जाता है, उपले में उसकी सिकाई की जाती है, तो शुद्ध खाना। इसके साथ ही नीचे आपको बेसन पीसते हुए भी बाहर जब आप एंट्री करेंगे तो बेसन पीसते हुए भी आपको दिख जाएंगे। तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि ये जो बाटी चोखा रेस्टोरेंट है ये शुद्ध देसी रेस्टोरेंट है। यहाँ का जो थीम है वो एकदम अलग है, इसलिए बनारस की ये पहचान बन चुका है। जो भी देसी विदेशी सैलानी बनारस आते हैं वो घाट काशी की संस्कृति काशी की सभ्यता को तो समझते ही हैं, लेकिन जो पुराने खाने पीने के तरीके थे उसको भी समझने के लिए उसका भी लुत्फ उठाने के लिए इस रेस्टोरेंट का जरूर रुख करते हैं। तो आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे देसी खाने के लिए देसी स्वाद के लिए जो प्योर बनारसी स्वाद होता है उसके लिए लोग यहाँ पहुँचते। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक कचौड़ी गली मिठाई की काउंटर भी है। कचौड़ी गली बनारस के पक्के महल की वो गली कचौड़ी गली है जहाँ के उस गलियों संकरी गलियों में सैकड़ों वर्ष पुरानी कई मिठाई की ऐसी दुकान है जहाँ पे प्योर बनारसी मिठाइयाँ मिलती है जिसकी पहचान विश्व स्तर पे है। तो लेकिन संकरी गलियों में ट्रैफिक और तमाम समस्याओं की वजह से अब लोग नहीं जा पाते हैं, तो उसकी एक काउंटर भी कचौड़ी गली के नाम से इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट के अंदर है जहाँ आप खाने के बाद एक बनारसी जो मिठाई है कई ऐसी मिठाइयाँ हैं जिसका आप यहाँ पर स्वाद चख सकते हैं। बनारस में साल भर देश विदेशियों के सैलानियों का आवागमन लगा रहता है, ऐसे में जो भी यहाँ आता है वो यहाँ के खान पान का स्वाद जरूर लेता है और खान पान के स्वाद लेने की कड़ी में ही बनारस की एक नई पहचान बन गया है ये अनोखा रेस्टोरेंट। आपको बता दें कि खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम मसालों की पिसाई भी रेस्टोरेंट के अंदर ही की जाती है जिसकी बदौलत आपको दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ ज्यादा शुद्ध भोजन खिलाया जा सके। अंदर जाने के बाद आप देख सकेंगे कि कुछ महिलाएं चक्री पर बेसन पीस रही होंगी, लेकिन इस रेस्टोरेंट की शोभा तब और भी बढ़ जाती है जब आपको प्लास के पत्ते और मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोसा जाएगा। बाटी चोखा रेस्टोरेंट की एक थाली महज 200 से लेकर 250 रुपए की होती है जिसमें आप जितना मन चाहे उतना खाना खा सकते हैं। इस थाली में पनीर, सत्तू की बाटी, चोखा, चावल, देसी दाल समेत ग्राहकों को स्टार्टर्स के रूप में कई तरह के पकौड़े भी खिलाए जाते हैं। वाराणसी शहर की मिठाई भी पूरे देश में पसंद की जाती है और शहर में कई ऐसे फेमस मिठाई की दुकान भी हैं जहां जाकर आप उन स्वादिष्ट मिठाइयों को चख सकते हैं, लेकिन शहर की पुरानी गलियों में स्थित होने की वजह से लोगों को वहां जाने में काफी परेशानी होती है। इसीलिए अब बाटी चोखा रेस्टोरेंट के एक अतिरिक्त ब्रांच के रूप में कचौड़ी गली नाम की दुकान को भी शुरू किया गया है जहां उन स्वादिष्ट मिठाइयों को एक ही जगह संकलित करके लोगों के लिए रखा गया है। बाटी चोखा रेस्टोरेंट जाकर हमने वहां के संचालक अशोक दुबे जी से बात की और इस रेस्टोरेंट के साथ ही बाटी चोखा के महत्व को जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए हमसे बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं अशोक दुबे इस बाटी चोखा का संचालन मैं करता हूँ और आप लोग जब आए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पे आपको जूता बाहर उतरवा दिया जा रहा है, अंदर कारपेट लगा हुआ है, लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं। एक विचित्र सी अच्छी सी खुशबू आप लोगों को मिल रही होगी जो शुद्ध देसी घी की खुशबू है, बाटी की खुशबू मिल रही होगी जो देसी बाटी जो आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान में खाया जाता था, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाया जाता था, उसकी खुशबू आप लोगों को मिलेगी। हड़िया में दाल बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा, नीचे चक्की द्वारा बेसन जो पीसा जाता है उसे देखा गया होगा आपको। हल्दी को कूटने के लिए मशीन वहाँ पर लगी हुई है जो हाथ से हल्दी कूटी जाती है। इसी तरह के आप अन्य सभी तरह के विचित्र चीज़ें आप लोग देखते होंगे जो कि आप लोगों के लिए विचित्र है, लेकिन हमारे प्राचीन भारत में इन यंत्रों का इस्तेमाल होता था हमारे भोजन बनाने के लिए। ये आलू को लकड़ी में भून के और टमाटर और बैंगन को भून के उसका चोखा बनाया जाता है जिसमें कि लहसुन होता है, प्याज होता है, अदरक होता है, उसका स्वाद भी बड़ा बहुत बढ़िया होता है। एक बार आप खा लीजिएगा यहाँ का चोखा तो आप भी चोखा हो जाएंगे। चोखा मतलब तेज,
और उसका जो स्वाद है इतना बढ़िया होता है कि आप उसका अनुभव केवल खाने के बाद ही कर सकते हैं, बताया नहीं जा सकता है। और इसी तरह बनारस में ये जो बाटी चोखा खुला है इसका महत्व काफ़ी अधिक है और यहाँ पे विदेशों से देश काफ़ी पर्यटक आते हैं। डेली कम से कम नहीं तो हमारे पास 50 विदेशी आ जाते हैं। और जैसे साउथ के लोग आते हैं तो लोकल फूड खोजते हैं कि भाई बनारस का अपना स्पेसिफिक फूड क्या है। स्पेसिफिक फूड पे हम पूरा फोकस दिए हुए हैं। प्राचीन भारत में, उत्तर भारत में जो बाटी चोखा खिलाया जाता था उसको हम लोग बनाते हैं, तो वो देखते हैं, वो खुश होते हैं और लोग खा के लोग वाह वाह करते हुए निकल जाते हैं। पुरातन भारत को लिया गया है, अपने प्राचीन भारत को लेके बनाया गया है। आप देख रहे होंगे हाथी है तो बैल है तो हल है झोपड़ी है, ये आप लकड़ी का डेकोरेशन देख रहे हैं। पहले होती थी इसी तरह झोपड़ियाँ अपनियाँ होती थी, अब धीरे धीरे झोपड़ियाँ अपनियाँ ख़त्म हो गई। तो हमारे जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं, जो नए युग के प्राणी आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसा कुआं होता था, कैसा झोपड़ी होता था, कैसा क्या होता था, कैसे चक्की कैसा होता था। तो उनको इस चीज़ से अवगत कराया जाता है जिससे कि हमारे पुराने भारत को वो भूल ना सकें। बहुत ही जेन्युइन रेट है। आप किसी भी एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 1000 रुपया एक आदमी पे खर्चा देना पड़ता है। यहाँ पे भर पेट भोजन करिए, जितना मन चाहे उतना खाइए, और दाम बस वही हमारा 220-240 रुपया होता है। और देसी घी तो हम लोग कटोरा भर दे देते हैं, खाइए। क्या क्या साथ में मतलब भाई? देसी घी होता है, बाटी जितना मन चाहे उतना खाइए। हाँ, बाटी पनीर की बाटी है, सत्तू की बाटी है, साधारण बाटी है। उसके बाद चोखा जितना मन चाहे उतना खाइए। हाँ, उसके बाद चावल है, चावल खाइए। उसके बाद दाल है, दाल हमारा देसी खाइए। और उसके पहले जब भोजन करने के पहले स्टार्टर शुरू हो जाता है, जिसमें कि पकौड़ी होता है। सैकड़ों साल पुराने जो है मिठाइयों की दुकान है, और जो कि अब पुराने बनारस में बसा हुआ है। अब गलियों के अंदर आप पहुँचिएगा, पहुँचना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस जगह की मिठाइयाँ जो हैं, जैसे रसवंती की रसवंती है, राम भंडार की तिरंगी है, और विश्वनाथ साव का खिरमोहन है, इसी तरह के जो चुनिंदा मिठाइयाँ हैं बनारस की, उसको जो उसका संकलन जो है अपने कचौड़ी गली में मैंने रखा है। रेस्टोरेंट के संचालक के मुताबिक यहाँ हर रोज 50 से भी ज्यादा विदेशी सैलानी भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। बाटी चोखा चखने के लिए स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहरी सैलानियों की भीड़ होती है। तो आइए खुद उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि उन्हें यहाँ का खाना कैसा लगा और क्या कहना चाहते हैं वो इस रेस्टोरेंट के बारे में। कि बनारस मेरा बचपन बीता है, और बनारस जब भी आता हूँ तो बाटी चोखा जरूर आता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिस्ट में रहता है कि यहाँ आऊँगा तो बाटी चोखा ज़रूर खाऊँगा। क्या वजह मानते हैं बाटी चोखा? एक ऑथेंटिक टेस्ट जो शायद गाँव में कहीं गुम हो गया था, वो दोबारा मुझे यहाँ मिलता है। और इस बार आया तो मैंने कचौड़ी गली देखी। यहाँ आता था तो सोचता था कि पुराने स्वाद मिलें, मिठाइयों के स्वाद मिलें, जो कि मिल नहीं पाते थे, क्योंकि कचौड़ी गली जाना बहुत मुश्किल है, पक्के महल जाना बहुत मुश्किल है, तो जा नहीं पाते थे। लेकिन कचौड़ी गली के ज़रिए जो है मुझे वही टेस्ट, वही स्वाद दोबारा मिला है। देखिए, ये एक यूनिक थीम है, जो मतलब जब आप यहाँ एंटर करते हैं, इनफैक्ट आपको रेस्टोरेंट में अंदर जाने से पहले ही उसकी एम्बियंस के बारे में पता लग जाता है कि किस तरह की एम्बियंस होगी अंदर। बिल्कुल डिफरेंट है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है जब आप यहाँ पर अंदर जाते हैं। जो यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं, जिस तरह से इसको डेकोरेट करा गया है, जो एम्बियंस इसकी क्रिएट करी गई है, वो कहीं और नहीं है। इसीलिए मन करता है कि आप बार बार यहाँ पर आया जाए। अगर आप भी बनारस जाने का प्लान कर रहे हैं तो बनारस के मंदिरों में दर्शन और घाट घूमने के बाद यहाँ के खान पान का स्वाद भी जरूर चखिएगा। और इसके लिए इस तरह के अनोखे रेस्टोरेंट भी हैं जो आपके बनारस के टूर को कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए बीइंग घुमक्कड़।